गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स बेटा, लास्ट क्लास के अंदर हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में जनरल आपको बताया था कि क्या क्या हम डिस्कस करेंगे, और साथ में हमने आपको वहाँ पर फंडामेंटल पार्टिकल्स एंड ऑल दैट उसके बारे में बताया था, एटमिक मास, एटमिक नंबर। तो आज हम अपने जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं वो वन बाय वन स्टडी करेंगे, ठीक है बेटा। लास्ट क्लास में हमने आपको ये बताया था कि एटम जो होता है वो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल माना जाता है, और डाल्टन ने ये बोला था कि एटम को फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता या उसके फर्दर सब पार्टिकल्स नहीं होते। लेकिन जब हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम स्टडी किया तो वी फाउंड दैट कि एटम के भी फर्दर सब पार्टिकल्स, उसके कुछ फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, जिसमें मैंने आपको तीन नाम बताए थे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटोन और न्यूट्रॉन। ये तीन हमारे बेसिक फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं। हालांकि इन तीन के अलावा हमारे पास और भी फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, तो देयर नियर अबाउट 35 सब पार्टिकल्स हैं जो हम स्टडी कर चुके हैं, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर जब बेसिक स्टडी करेंगे वो हम तीन फंडामेंटल पार्टिकल्स की करेंगे, डेट वन इज योर इलेक्ट्रॉन, प्रोटोन एंड न्यूट्रॉन। तो आज हम बात करेंगे कि कैसे आपकी कैथोड रे से हमने इलेक्ट्रॉन के बारे में जाना, कैसे जे थॉम्सन ने इलेक्ट्रॉन के बारे में स्टडी किया, कैसे उसने इस चीज को ऑब्जर्व किया। देखो बेटा, कैथोड रेस की हम बात करते हैं सबसे पहले ना, कैथोड रेस कैसे जर्मिनेट हुई, कैसे ऑब्जर्व हुई, किसने इसके बारे में बताया। तो देखो बेटा, कैथोड रे के बारे में सबसे पहले बताया था विलियम क्रूक ने इन 1879। हालांकि चार्ज से रिलेटेड बहुत सी थ्योरीज आपने फिजिक्स में भी पढ़ी है, सिल्क प्रोडक्शन, इबोनाइट रॉड से चार्ज कैसे डेवलप होता है ना, दो चीज़ों को आप आपस में रब करते हैं एनोलर, तो वहाँ चार्ज डेवलप होता है। तो ऐसे तो वेरियस थ्योरीज आ चुकी थी, फैराडे आ चुका था एंड सो ऑन। लेकिन जब हम केमिस्ट्री के अंदर जब इस चीज़ की बात करते हैं, तो बेटा देखो, जो विलियम क्रूक था 1879 में, उसने अपना एक एक्सपेरिमेंट किया। उसने एक्सपेरिमेंट में क्या किया, उसने एक डिस्चार्ज ट्यूब ली, दिस वन इज ए डिस्चार्ज ट्यूब, ठीक है। अगर आपको ध्यान हो तो घरों में पहले लंबी वाली ट्यूब लाइट्स होती थी, आजकल तो देखो हमारे पास LED आ गए हैं, है ना, तो लाइट इमिटिंग डिवाइस वाली जो हमारे पास जो ट्यूब्स हैं वो आ गई हैं, छोटी छोटी ट्यूब्स हैं। पहले हमारे घरों में लंबी ट्यूब्स, ट्यूब लाइट्स हुआ करती। लाइक दैट ऐसे हमारे पास विलियम क्रूक ने एक डिस्चार्ज ट्यूब ली विच इज नियर अबाउट 60 सेंटीमीटर लॉन्ग, ठीक है। और उसने दो इलेक्ट्रोड्स लिए, एक को उसने नाम दे दिया कैथोड और एक को क्या नाम दे दिया बेटा, एनोड। कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज, एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। इसको एक बैटरी से कनेक्ट किया, हाई वोल्टेज यहाँ पर हम पास करेंगे, अलोंग विद दैट एक वैक्यूम पंप यहाँ पर हमने क्रिएट कर दिया, ठीक है। अब देखिए कैथोड रे विलियम क्रूक ने कैसे किया, उसने क्या किया कि इस डिस्चार्ज ट्यूब में गैस को रखा। वो गैस कुछ भी, कोई भी हो सकती है, हाइड्रोजन हो सकती है, कोई भी गैस, हम लेट कर लेते कि कोई भी गैस प्रेजेंट थी। तो उसने क्या देखा कि जब यहाँ पर उसने हाई वोल्टेज पास किया, डेट वोल्टेज इज नियर अबाउट 10,000 वोल्टेज का उसने यहाँ से जब करंट पास किया, और यहाँ पर जो प्रेशर था वो हाई प्रेशर था, मतलब नियर अबाउट 1 mm प्रेशर। तो और जब उसने ये इलेक्ट्रिसिटी पास की तो उसको यहाँ कुछ भी ऑब्जर्व नहीं हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद उसने क्या काम किया, अपने एक्सपेरिमेंट्स को और बढ़ाया। तो वोल्टेज तो उसने कम नहीं किया, लेकिन है ना उसने प्रेशर कम किया। जब उसने प्रेशर कम किया तो ही फाउंड दैट, मतलब नियर अबाउट वो प्रेशर जो था, डेट वन इज योर 0.01 mm, इतना जब उसने प्रेशर किया तो उसने ये देखा कि कैथोड एंड से कुछ रेज डेवलप हो रही हैं और वो ट्रैवल करके आ रही हैं। अब वो उसको कैसे पता चला कि भाई कैथोड के एंड से आपकी रेज आ रही है, वो ऐसे पता चला कि बेटा एनोड का जो एंड था ना उसके ऊपर एक ग्लो अपीयर हुआ, तो वो ग्लो ग्रीनिश ग्लो था। तो कोई भी चीज़ यहाँ पर, कोई भी ग्लो, कोई भी चीज़ यहाँ अपीयर तब होगी जब यहाँ से कोई चीज़ यहाँ पर स्ट्राइक कर रही है। तो उसने ये यहीं से इस चीज को ऑब्जर्व किया और उसने बोला कि इस एंड से कैथोड रेस आ रही है। अब सेकंड क्वेश्चन अराइजेस कि यहाँ पर जब हमने हाई प्रेशर रखा था तो यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई भी ग्लो अपीयर नहीं हुआ, उस ग्लो को हम बोलते हैं फ्लोरोसेंस। लेकिन जैसे ही हमने प्रेशर लो किया यहाँ पर ग्लो, ग्रीनिश ग्लो जो है वो अपीयर हो गया। ग्रीनिश ग्लो इसलिए आया क्योंकि यहाँ पर जो गैस प्रेजेंट थी उसकी वजह से ये ग्लो चेंज भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि ग्रीनिश ग्लो ही हो आपका, ठीक है। तो नाउ द क्वेश्चन राइज, ऐसा क्यों हुआ कि जैसे हमने प्रेशर
डिक्रीज किया, यहाँ पर ग्लो अपीयर हो गया। बेटा उसका रीजन ये होता है क्योंकि यहाँ पर जो ये ग्लो आपका अपीयर हो रहा है, ये कैथोड रेस के साथ साथ यहाँ पर जो गैस प्रेजेंट है ना उसके कारण भी हो रहा है। एंड जो गैसेस होती है ना, दे आर द पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एट हाई प्रेशर। हाई प्रेशर के ऊपर जो आपकी गैसेस होती है वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है, इसलिए जैसे ही उसने प्रेशर कम किया यहाँ पर ग्लो प्रोड्यूस हो गया। अगर वो प्रेशर कम नहीं करता तो यहाँ पर आपको किसी भी तरीके का ग्लो ऑब्जर्व नहीं होता। ठीक है, तो दिस वन इज योर नेगेटिव एंड, दिस वन इज योर कैथोड, दिस वन इज योर पॉजिटिव एंड, दिस वन इज एनोड, एंड दे आर कनेक्टेड बाय ए बैटरी जहाँ पर हम हाई वोल्टेज पास कर रहे हैं, डेट इज नियर अबाउट 10,000। और ये वैक्यूम पंप हमने यहाँ पर किस लिए प्लेस किया, एक प्रॉपर प्रेशर को मेंटेन करने के लिए। और इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर प्रेशर लो होना चाहिए, क्योंकि जो लो प्रेशर होता है किसी भी गैस का तो वो उसको गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बनाती है। अगर यह हाई प्रेशर रहेगा तो वो उसको गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं बनाएगा। ठीक है, तो ये तो बताया हमें विलियम क्रूक ने। अब क्योंकि जे.जे. थॉमसन भी वर्क कर रहा था, तो जे.जे. थॉमसन ने इन वेरियस एक्सपेरिमेंट से कुछ चीजें ऑब्जर्व की और उसने अपने फर्दर कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए। तो जे.जे. थॉमसन ने इन 1897, देखो ये 79 है, ये 97 है। ठीक है, जो चीज विलियम क्रूक ने 1879 में बताई थी उसी चीज को देखो पढ़ पढ़ के, और भी जितने भी वेरियस एक्सपेरिमेंट्स हुए थे बेटा, उस चीजों को सबको एक साथ इकट्ठा करके आपके जो जे.जे. थॉमसन थे, जिसको श्रेय दिया जाता है इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के लिए, तो उसने देखो क्या क्या चीजें ऑब्जर्व की। सेम विलियम क्रूक की तरह ही उसने भी एक डिस्चार्ज ट्यूब ली। ठीक है, सेम बेटा वही बैटरी से कनेक्ट कर दिया, वैक्यूम पंप लिया, यहाँ पर माइनस एंड प्लस, दिस वन इज योर कैथोड एंड दिस वन इज द एनोड। ठीक है, अब देखो हम किस बेसिस पे बोलते हैं कि कैथोड रेस भाई डेवलप होती है कैथोड एंड से। अब कोई भी रे जब आपकी डेवलप होती है तो आपको पता है रेज जो होती है हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है ना। हमारे सन से जो भी रेज आती है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में आती है, तो ये सारी चीजें प्रूव भी करनी थी। तो उसके लिए देखो उसने क्या किया, उसने क्या काम किया, एक जिंक सल्फाइड स्क्रीन ली। ठीक है, और बेटा यहाँ से जहाँ से कैथोड रेज आ रही थी और एनोड के बीच में उसने एक ऑब्जेक्ट रखा, वो ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है। अब जब इसके ऊपर, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर कैथोड एंड से जो रेज आ रही थी और वो जब रेज इसके ऊपर पड़ी, तो जिंक सल्फाइड जो हमने स्क्रीन लगाई थी उसके ऊपर हमें इसकी शेडो ऑब्जर्व हुई। तो अगर हमने किसी भी ऑब्जेक्ट की शेडो ऑब्जर्व हो रही है तो इसका मतलब वो जो रेज है वो किस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, स्ट्रेट डायरेक्शन में। तो यहाँ से एक चीज ये प्रूव हो गई कि भाई कैथोड एंड जो है वहां से जो रेज निकल रही है वो किस लाइन में ट्रैवल करती है, बेटा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। ठीक है, दूसरी बात उसने बोला कि ये मटेरियल्स की बनी हुई है, मतलब जो रेडिएशंस निकल रही है ना उनका मास है, उनके अंदर मटेरियल प्रेजेंट है। अब ये चीज उसने कैसे प्रूव किया, बेटा इस चीज को प्रूव करने के लिए उसने क्या किया, इसी तरीके का ना एक पैडल लाइक व्हील लिया, एक पहिया लिया। ठीक है, अब पैडल लाइक जब हमने व्हील लिया और ये रेडिएशन जब इसके ऊपर गिरी तो इस व्हील ने रोटेट करना स्टार्ट कर दिया, मतलब लाइट वेट का था और इसने रोटेट करना स्टार्ट कर दिया। अगर अब ये व्हील आपका रोटेट कर रहा है तो इसका मतलब यहाँ से जो रेज आ रही है उनमें मास है, सिंपल सी बात है। जैसे फॉर एग्जाम्पल बेटा ये पेन है, ठीक है ना, ये पेन मैं किसी भी फर्स्ट क्लास के बच्चे को देती हूँ, ठीक है ना, तो इस पेन को इजिली उठा लेगा, इजिली रिप्लेस कर देगा। ठीक है, तो इसका मतलब उस बच्चे के अंदर मास है, इसमें भी मास है, लेकिन उस बच्चे का मास इससे ज्यादा है इसलिए वो इजिली इसको उठा पा रहा है। लेकिन अगर यही पेन मैं एक वन मंथ के, एक महीने के बच्चे को दूं तो क्या वो इस पेन को उठा पाएगा, नहीं उठा पाएगा। लेकिन इसका मतलब ऐसा तो नहीं है कि बच्चे में मास नहीं है, मतलब बच्चे में वेट नहीं है, लेकिन वहाँ प्रॉब्लम क्या आ गई कि उस बच्चे के वेट में और इस पेन के वेट में डिफरेंस है, ये पेन जो है वो उस बच्चे के ऊपर डोमिनेंट कर गया, जिसकी वजह से बच्चे में इतनी पावर नहीं है कि वो इस पैन को ग्रिप कर सके। ठीक है, तो बेटा यहाँ से जब हमारी रेडिएशन इस व्हील के ऊपर पड़ी तो इस व्हील ने रोटेट करना स्टार्ट किया। अगर इसने रोटेट करना स्टार्ट किया तो इसका मतलब यहाँ से जो भी रेज आ रही है वो मटेरियल की बनी हुई है, उसमें कोई ना कोई मास वहां पर प्रेजेंट है। अगर उनमें मास नहीं होता तो ये जो व्हील हमने यहाँ पर प्लेस किया था ये व्हील आपका रोटेट नहीं होता। तो यहाँ से हमें सेकेंड प्रॉपर्टी के बारे में पता चला।
फिर थर्ड प्रॉपर्टी ये बोलते कि ये आप कैसे प्रूव करोगे, जैसे हमने बोला कि ये कैथोड है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, ये एनोड है इस पे पॉजिटिव चार्ज, उल्टा भी तो हो सकता था भाई, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, इसके ऊपर क्या आ जाता है नेगेटिव चार्ज, बिल्कुल बात भी सही है, ये तो हमने बोला है ना ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, साइन चेंज भी हो सकते थे, हम इस नेगेटिव को एनोड बोल सकते थे, इस पॉजिटिव को कैथोड बोल सकते थे, तो उसको कहा गया ये चीज बताओ, तो उसने इस चीज को भी प्रूव किया कि भाई कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, कैसे होता है नेगेटिव चार्ज, इसके लिए उसने क्या किया बेटा, ये कैथोड हाई वोल्टेज पास किया, यहाँ पर उसने दो आप इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोल सकते हो और मैग्नेटिक फील्ड भी, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ प्रोवाइड कर दिया, एक पे नेगेटिव चार्ज और एक पे पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर जिंक सल्फाइड की कोटिंग कर दी, क्योंकि रेडिएशन जब यहाँ पर गिरेगी तो बेटा वो ग्लो प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। अब उसने क्या किया, यहाँ से इस होल से जब आपकी रेडिएशन पास की, तो ही सा डेट कि आपकी जो रेडिएशन जो नेगेटिव एंड से निकल रही थी उसमें डिफ्लेक्शन हो गया, और ये डिफ्लेक्शन किस तरफ हुआ देखिए, यहाँ ये नेगेटिव चार्ज है, यहाँ से ये आपकी रेस ट्रेवल कर रही है, और ये पॉजिटिव की तरफ क्या हो गई डिफ्लेक्ट हो गई। तो बेटा आप लोग फिजिक्स में भी पढ़ते हो, लोअर क्लासेस में भी पढ़ के आए हो, सेम चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं रिपेल करते हैं, और डिफरेंट चार्जेस क्या करते हैं एक दूसरे को बेटा अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से ये जो नेगेटिव था ये इधर नहीं आया, क्यों, क्योंकि इस पे भी नेगेटिव और इस पे भी नेगेटिव, तो इसने इसको क्या कर दिया रिपेल, रिपल्शन से किसकी तरफ चला गया पॉजिटिव पार्ट। तो इससे क्या प्रूव होता है कि कैथोड एंड से जो रेडिएशंस निकल रही हैं, जो रेज निकल रही हैं, उनके ऊपर कौन सा चार्ज है नेगेटिव चार्ज है, इन दिस पॉइंट इज क्लियर। नेक्स्ट उसने ये बोला कि अगर रेडिएशन आपकी यहाँ से निकल रही है और इनके अंदर यहाँ पर हम कोई भी अगर मेटल रख देते हैं तो उस मेटल के अंदर हीटिंग कैपेसिटी आ जाती है, मतलब वो उसको हीट अप कर देता है, ठीक है। इसके बाद उसने ये बोला कि जिस भी गैस में से यहाँ से रेज निकलती है उनमें आयोनाइजेशन पावर होती है, आयोनाइज कर देना, आयोनाइजेशन हम आगे पढ़ेंगे चैप्टर 3 के अंदर कि आयोनाइजेशन क्या होता है। बेटा आयोनाइजेशन एनर्जी होती है कि जब भी आप किसी भी मेटल के ऊपर रेडिएशन डालते हैं तो उस मेटल में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है, तो दैट इज कॉल्ड योर आयोनाइजेशन, और उस एनर्जी को बोलते हैं हम आयोनाइजेशन एनर्जी, तो मेटल्स में वो टेंडेंसी होती है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर कोई भी हार्ड मेटल रख दें, जैसे टंगस्टन है या आपका मोलिब्डेनम है, टंगस्टन आपको पता है हम बल्ब के फिलामेंट्स में यूज करते हैं, तो उनके ऊपर जैसे ही आपकी रेडिएशन सी कैथोड रेज स्ट्राइक करती है तो ध्यान रखना वहां से कौन सी रेडिएशन प्रोड्यूस होती है एक्स रेज। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है आपसे कि मोलिब्डेनम है या कोई भी हार्ड मेटल लेते हैं उसके ऊपर कैथोड रेज जब स्ट्राइक करती है तो वहां से कौन सी रेज निकलती है, तो बेटा वहां से हमारी कौन सी रेज निकलती है एक्स रेज निकलती है। इसके अलावा इनके अंदर इन रेडिएशन में पेनिट्रेटिंग पावर होती है, अगर बहुत ही लाइट मेटल यहां पर प्रेजेंट होता है तो उसमें से ये पेनिट्रेट करते हुए मतलब उसको भेदते हुए उसमें से बाहर निकल जाती है, तो दे हैव आल्सो द पेनिट्रेशन पावर, ठीक है। तो यहां से हमने इनकी वेरियस प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा, तो एक बार हम देख लेते हैं कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। फर्स्ट, कैथोड रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, जो कि हमारा प्रूव हुआ। कैथोड रेज आर मेड अप ऑफ मटेरियल पार्टिकल, ऑफ कोर्स जब इसकी आपके रोटेट करना स्टार्ट कर दिया मेटल ने तो वहां से ये प्रूव हो गया बेटा, दे कैरी नेगेटिव चार्ज, वो यहाँ से प्रूव हो गया जब वो डिफ्लेक्ट हो गया। इसके अलावा दे कोज आयनाइजेशन ऑफ द गैस थ्रू विच दे पास, आयनाइज करने की पावर रखते हैं। एक्स रेज प्रोड्यूस करते हैं जब भी वो किसी भी हार्ड मेटल जैसे टंगस्टन या मोलिब्डेनम के ऊपर स्ट्राइक ऑन करते हैं, उनके अंदर पेनिट्रेटिंग पावर होती है। अब इन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स को जो हमने नाम दिया, जो जे जे थॉम्सन ने नाम दिया, उसको उसने क्या नाम दिया बेटा, इलेक्ट्रॉन दिया। तो जो इलेक्ट्रॉन्स जो आपके प्रोड्यूस हुए उनके ऊपर चार्ज कौन सा था नेगेटिव, और ये किसने बताया, जे जे थॉम्सन ने। तो इन प्रॉपर्टीज से हमने दो चीजें ऑब्जर्व की कि जो कैथोड रेज होती है वो मटेरियल पार्टिकल्स हैं और उनके ऊपर कौन सा चार्ज प्रेजेंट है नेगेटिव, और उनको हमने क्या नाम दे दिया बेटा, इलेक्ट्रॉन्स। तो दिस पॉइंट इज क्लियर। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, वो आज हमने यहाँ पर बताया आपको। इसको डिस्कवर किसने किया, जे जे थॉम्सन ने कैथोड रेज के एक्सपेरिमेंट से, जिसके बारे में पहले किसने बताया था बेटा, विलियम क्रूक ने बताया था। तो इलेक्ट्रॉन के जब हम स्टडी कर रहे थे तो बेटा फिर क्वेश्चन आता है कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इलेक्ट्रॉन का मास एंड ऑल दैट, ये सारी चीजें कहाँ से आपकी ऑब्जर्व हुई। तो देखो बेटा
जे जे थॉम्सन ने चार्ज बाय मास रेशियो निकाला था इलेक्ट्रॉन का, और वो चार्ज बाय मास रेशियो आपका आता है 1.76 × 10⁸ कूलम्स पर ग्राम। ये ध्यान रखना, ये चार्ज बाय मास का रेशियो है कभी भी पूछा जाए, और ये किसने बताया, जे जे थॉम्सन ने। फिर चार्ज पूछा गया कि भाई इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या है, तो बेटा आर ए मिलिकियन हमारे एक साइंटिस्ट था, उसने ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया, और उस ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट ने उसने ऑब्जर्व किया कि इलेक्ट्रॉन पे बहुत ही छोटा चार्ज प्रेजेंट होता है, और वो चार्ज की वैल्यू है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम्स। ध्यान रखना, सेमी चार्ज आपका प्रोटोन पे होता है, ये भी ध्यान रखना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटोन दोनों किसी भी आइटम को न्यूट्रल करते हैं, लेकिन डिफरेंस ये होता है इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, मतलब −1.6 × 10⁻¹⁹, और प्रोटोन पे पॉजिटिव चार्ज होता है +1.6 × 10⁻¹⁹। नहीं तो जनरली हम ये बोलते हैं कि दोनों पे जो चार्ज है वो 1.6 × 10⁻¹⁹ होता है। और इसको अगर हम ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में अगर आपसे चार्ज पूछा जाए, तो वो चार्ज जो हमारा है वो होता है 4.8 × 10⁻¹⁹। इस चीज का ध्यान रखिएगा बेटा, ठीक है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन का जब हमने मास कैलकुलेट करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन का जो हमारा मास है वो आता है 9.1 × 10⁻³¹ kg। इस चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है, ओके। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये था बेटा हमारा कैथोड रे, जहां से हमने अपना पहला फंडामेंटल पार्टिकल दैट वन इज योर इलेक्ट्रॉन हमने क्या किया बेटा, डिस्कवर किया, ठीक है। इसमें एक चीज और आती है, कई बार पूछ लिया जाता है कि भाई व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय इलेक्ट्रॉन या डिफाइन इलेक्ट्रॉन। तो बेटा कैसे डिफाइन करेंगे कि एक्चुअली हमारा इलेक्ट्रॉन वो फंडामेंटल पार्टिकल है जो कि एक यूनिट नेगेटिव चार्ज कैरी करता है, और जो कि हाइड्रोजन के 1/1837 पार्ट के इक्वल होता है। इस चीज का ध्यान रखना, कुछ बुक्स में इसका 1/1833 भी दे रखा है, तो बहुत हार जनरली करेक्ट। तो इलेक्ट्रॉन इज अ फंडामेंटल पार्टिकल विच कैरीज वन यूनिट निगेटिव चार्ज